आशीष जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? हम अपने गुरुओं का साथ देने आए हैं। जैसा कि हमको पता चला है कि हमारे गुरुओं के साथ अन्याय हो रहा है, आज हम इनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ होगा, इसलिए हम गुरुओं का समर्थन देने तन मन धन से गुरुओं के अधिक से अधिक संख्या में आकर गुरु का समर्थन करेंगे। तो ये आप अभी कुछ लोग आए हैं और कॉलेज के अंदर आप लोग बताएंगे, आप प्रेसिडेंट हैं, तो वहाँ आप यहाँ गैदरिंग दिखाने का काम करेंगे? हम यहाँ गैदरिंग दिखाएंगे। कब आएंगे आप यहाँ गैदरिंग के साथ? हम डेली आएंगे और डेली अधिकारियों की बात करके गुरुओं का साथ देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी, आप कौन से कॉलेज से हैं? मैं रामजस कॉलेज से हूँ, फाइनल ईयर बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम? हाँ जी। तो आप यहाँ क्यों आए हैं? देखिए, किसी भी समाज को चलाने के लिए शिक्षक की बहुत ज़रूरत होती है। उसी प्रकार जो आज अन्याय हो रहा है, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 335 में है कि जो हमें आरक्षण मिलना चाहिए, टीचर को जो आरक्षण मिलना चाहिए, आज उससे पीछे हटा जा रहा है। हमारा देश एक संविधान से चलने वाला देश है, अगर उस पर कोई सेंध लगाएगा तो हम उसके खिलाफ होंगे। दूसरी बात, हम क्या है, हम यहाँ पे आज खड़े किसी टीचर की वजह से खड़े हैं, चाहे वो स्कूल का टीचर हो या कॉलेज का टीचर हो, अगर उनके साथ अन्याय होगा तो हमारी एक ड्यूटी होती है कि उनके साथ आगे खड़े हो। लेकिन वो सब कहते हैं जो आरक्षण के तहत जो आते हैं, स्टूडेंट हैं या वो हैं, तो उनके अंदर इतना दिमाग नहीं होता, इतने काबिल नहीं होते। मेरा कहना नहीं है, ये और लोगों का कहना। देखिए, उनकी भी लाइफ थी, वो भी कभी स्टूडेंट थे, शायद उनके ऊपर भी किसी ने कमेंट किया होगा। हाँ, करने दो, हम इन बात पे ध्यान नहीं देते, लेकिन जो हमारी ड्यूटी, हम उस ड्यूटी पे आगे चलेंगे। तो आगामी क्या योजना रहेगी आप गुरु? आज हमारा ग्रुप स्टार्ट हुआ, 20-25 आज हम आए थे, कल और उससे ज़्यादा आएंगे। हर कॉलेज में हमारे इन्विटेशन जा रहा है कि आइए और अपने टीचरों की अकेली लड़ाई में आगे बढ़िए। धन्यवाद। हम यहाँ, जैसा मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ हम अपने गुरुओं का साथ देने आए हैं। जहाँ भी गलत होगा वहाँ हमें गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, शायद वो प्रोफेसर के साथ हो या फिर बच्चों के साथ हो या फिर कर्मचारी के साथ हो। तो आज अगर, जैसा आशीष ने बाकायदा बोला कि आज बात हमारे प्रोफेसर पे है, कल हम पे भी आएंगे, क्योंकि यही बच्चे, यही छात्र जाके आगे जब ये लोग प्रोफेसर बनेंगे तो इन पे भी ये चीज़ लागू होगी। तो अगर इस चीज़ को आज ही नहीं ख़त्म किया गया तो ये आगे आने वाली जनरेशन पे भी बहुत वो इफ़ेक्ट डालेंगी। और रही बात कि रिजर्वेशन से आए बच्चों में दिमाग नहीं होता, कोई इंसान अपने पसंद से तो किसी जनरल ओबीसी एससी में पैदा नहीं होता, वो जिस फैमिली में वो उसका बर्थ हुआ है, दैट इज़ नॉट डिसाइडेड बाय हिमसेल्फ। ठीक है, तो अगर वो, अगर ऐसा नहीं है कि अगर एक एससी का बच्चा भी टॉप करता है, आप टीना दाबी का एग्जांपल लीजिए, उसने आईएएस टॉप किया, वो किसी उसमें नहीं आई है। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ गलत हो वहाँ पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और आज हम लोग आए हैं, कल हम और बच्चे भी लेके आएंगे, जब तक ये चीज़ चलती रहेगी हम अपने शिक्षकों के साथ हैं। चेतना जी, जो आज जो गुरु, जो गुरुवर हैं या गुरुजन हैं, वो भी लड़ाई, जो आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का एडमिशन हो गया कॉलेज के अंदर, जो आने वाली जनरेशन है जो कॉलेज में एडमिशन लेगी, जो रिजर्वेशन के तहत या जो जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके माँ बाप गरीब हैं, वो इतनी फीस कैसे वहन करेंगे, इसलिए वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपका इसमें क्या कहना होगा? मेरा ऐसा मानना है कि गुरु शिष्य का जो एक रिलेशन है वो सबसे, मतलब एक बहुत ही पवित्र रिलेशन है। अगर आज कल जब रिजर्वेशन से जो बच्चे एडमिशन लेंगे जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ये चीज़ रिजर्वेशन इसलिए उठाया गया था ताकि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चे हैं वो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके और अपना नाम कमा सके। आज ये, मेरा ये मानना है कि टीचर्स ने ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है बच्चों के लिए, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आके पार्टिसिपेट करना चाहिए। कितना ये, आप कौन सी, क्या कर रही हैं आप? मैं फिजिक्स ऑनर्स थर्ड ईयर, रामजस कॉलेज। हाँ जी, रामजस कॉलेज से। हाँ जी। आगामी योजना क्या रहेगी, आप क्या करेंगे, आप नेता बनेंगे या आगे, मतलब क्या करेंगे आगे? मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहूँगा। सिविल सर्विस में फ़ायदा क्या है? आज जैसे लोग बैठे हैं यहाँ पर, अगर आप नेता बनेंगे तो आप अपना अधिकार चलाएंगे? मेरा ऐसा मानना है कि मेरा शुरू से ही गोल रहा है कि मैं आगे सिविल सर्विसेज में जाके अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ करूं, ताकि एक जो, अपने लिए और अपने देश के लिए, समाज के लिए नहीं, अगर ये देश है तो अपने लिए और अपने देश से मेरा मतलब ये है कि अगर जो चीज़ मैं अपने पे लागू करूंगी, जब मेरे में सुधार आएगा तभी मैं आगे अपने देश में सुधार ला पाऊंगी। और सामाजिक तत्वों को अपने वो रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ही मेरा एक ये गोल था कि ठीक है, मैं आज से नहीं, मैं पहले भी, मैं बहुत एनजीओज में काम कर चुकी हूँ, जैसे जिसका मेन एम यही रहा है कि गरीब बच्चों को पढ़ाने जाना या स्वच्छ अभियान करना या फिर कलेक्शन ड्राइव करना, ये सब मैं 2 साल से करती आई हूँ। तो ये उसी चीज़ से एक मेरे को इंस्पिरेशन मिली कि दैट आई हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो इसलिए एक मेरा जो गोल था सिविल सर्विस के लिए, वो और पक्का हो गया।